हेलो एवरीवन आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी आज हम स्टैंडर्ड नाइन सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर एट मोशन को आगे बढ़ाते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था ठीक है तो स्पीड का डिस् फॉर्मूला क्या था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन स्पीड हमें पता था स्केलर क्वांटिटी है मतलब उसको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है अभी हम स्टार्ट करते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है प्लस डायरेक्शन की भी ज़रूरत है क्लियर तो द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रेहेंसिव एफ वि स्पेसिफाइड्स डिरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विथ इट्स स्पीड स्पीड के साथ अगर हम डिरेक्शन भी दिखा दें तो ठीक है द क्वांटिटी दैट स्पेसीफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी स्पीड प्लस डिरेक्शन दोनों जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सके उसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफाइनेट डिरेक्शन मतलब वेलोसिटी का मतलब स्पीड ही है बट इन डिफाइनेट डिरेक्शन मतलब यहां पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा ठीक है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल वैलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है वेरिएबल भी हो सकती है इट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड डिरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं स्पीड चेंज करके डिरेक्शन चेंज करके या तो दोनों को चेंज करा के इनकेस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है मतलब स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है एक ही रेट से देन एवरेज वैलोसिटी इज गिवन बाई द एरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम समझना सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो वेलोसिटी का जो मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन स्पीड में क्या था डिस्टेंस था वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा अभी देखते हैं एवरेज वेलोसिटी उसको मैं वी जी से डिनोट कर दूं इक्वल टू आप बोल सकते हो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि इन केस ऑफ वेलोसिटी ओके इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट अगर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो देन एवरेज वेलोसिटी इज़ गिवन बाय द एरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू कर दूँ मतलब मैंने यहाँ पे एरिथमेटिक मीन एरिथमेटिक मीन का मतलब होगा एवरेज वैल्यू तो मैंने ये एवरेज वैल्यू निकाल ली तो so, वी एवरेज मुझे मिलने वाला है वो यू प्लस वी डिवाइड बाई टू और आपको याद रखना है कि जब भी मैं लिखूँ यू आपको समझ जाना है कि इनिशियल वेलोसिटी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर यू इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी एवरेज है उसको कभी कभी समझना वी एवरेज है उसको कभी कभी हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ट्राइंगर ब्रैकेट के अंदर वी रख दो ये भी एक एवरेज ही है और कभी कभी हम वी के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं तो ये सभी सिंबल एक ही है ये सभी सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज वेलोसिटी चलो तो यहाँ पे एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि डिफरेंस ओके गिव थ्री डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी तो सबसे पहले आप फॉर्मूला से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्लियर स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड उस तरफ लिखोगे टू रिप्रेजेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिरेक्शन इज रिक्वायर्ड ओके तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी चलो यहाँ तक क्लियर होगा फिर से रिपीट कर लो द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रेंसिव इफ वी स्पेसिफाइड्स डिरेक्शन मोशन डिरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ इट्स स्पीड द क्वान्टिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी ऐसी क्वांटिटी जो स्पीड के साथ साथ डिरेक्शन भी दिखाए उसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफाइनेट डिरेक्शन द वैलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड डिरेक्शन और बोथ केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है वेलोसिटी, तब भी आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का एरिथमेटिक मीन ले मतलब वी एवरेज इज इक्वल टू वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हुआ है तो अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको सिर्फ ये कर सकते हैं आप कर सकते और टोटल डिस्प्लेसमेंट अकर अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी याद रखना है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन और डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है क्या है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन या फिर आप बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन तो यहां पे हम लिख देते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब अभी आप समझ गए हो ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड प्लस डिरेक्शन दोनों की हेल्प से डिस्क्राइब होती है ओके okay? फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड बट वो कौन सा यूनिट याद रखना ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है अदर यूनिट्स आर सेंटीमीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आर एक्सेट्रा ओके ऐसे बहुत सारे यूनिट बन सकते हैं डिपेंड करेगा कि आप डिस्टेंस कौन से यूनिट में मेज़र करते हो और टाइम कौन से यूनिट में मेज़र कर सकते हो तो यहाँ पे देखो सपोज सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर में मेज़र किया और सेकेंड मतलब टाइम है वो सेकेंड में मेज़र किया तो ये सब आपको याद रखना है वेलोसिटी के लिए यूनिट सेम रहेगा जो स्पीड का था मीटर पर सेकेंड या तो सेंटीमीटर पर सेकेंड या तो किलोमीटर पर आर क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम करो या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो यूनिट सेम बनेगा डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो आप एक ही यूनिट में मेजर करोगे या तो मीटर या तो सेंटीमीटर या तो किलोमीटर क्लियर <coughs> अभी देखते हैं एक एक्टिविटी एक्टिविटी एट पॉइंट सेवन एट अ टाइम वैन इट इज़ क्लाउडी

जब लाइटनिंग होती है तब एक साथ समझना जब लाइटनिंग होती है तब एक साथ साउंड प्लस लाइट दोनों जनरेट होती हैं लाइट प्लस साउंड अब दोनों एक ही साथ ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो मैं सपोज साउंड है वो ऐसे कुछ डिनोट करूँ आप ओके और लाइट है वो हम डिस्क्राइब करते हैं कुछ इस तरह तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है लाइट की स्पीड क्या है थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड बहुत ही ज़्यादा है मतलब क्या हुआ तीन के बाद एट टाइम ज़ीरोज़ मीटर पर सेकेंड किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो ये तीन ज़ीरो आप हटा दो ये तीन ज़ीरो आप हटा दो तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो समझो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड मिला वो कितना है थ्री लैख मतलब लाइट की स्पीड क्या है वो लाइट है वो एक ही सेकंड में थ्री लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है एक सेकंड में थ्री लाख किलोमीटर मतलब इतना तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ठीक से उतनी ज़्यादा स्पीड से अब उसके सामने साउंड की स्पीड क्या है तो साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेट देखो आपको यहाँ पे दी भी है थ्री फोर्टी सिक्स मीटर पर सेकेंड मतलब यहाँ पे लाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तो आपको लाइटनिंग है वो पहले दिखाई देगी उसके बाद थंडर का जो साउंड है वो तो आराम से धीरे धीरे आ रहा है तो एक दो सेकंड के बाद आपको वो साउंड भी सुनाई देगा क्लियर लाइट की स्पीड है थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड उसके कंपैरिजन में साउंड की स्पीड है वो बहुत कम है इसीलिए लाइट आपके पास पहले पहुंचेगी उसके बाद साउंड पहुंचेगा तो यहाँ पे पढ़ते हैं एट अ टाइम व्हेन इट इज़ क्लाउडी देयर मे बी फ्रिक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम to reach you after you see the lightning thunder ka sound hai wo baad mein pahunchega can you answer why this happens to wo humne already answer discuss kar liya hai measure this time interval using a digital wrist watch or a stopwatch watch अब देखो ये हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें थंडर का वेट करना पड़ेगा लाइटनिंग होगी उसका वेट करना पड़ेगा उससे पहले तो हम ये मेज़र कर नहीं सकते बट सपोज़ आपने व्रिस्ट वॉच ले देखा कि जब लाइटनिंग हो रही थी तब तो लाइट आपको दिखाई दी उसके दो सेकेंड के बाद आपको साउंड सुनाई दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस इक्वल टू तो आप लिखोगे वेलोसिटी इनटू टाइम क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात हो गई क्यों क्योंकि लाइट या साउंड वहाँ से सीधा आपके पास आ रहा है और जब सीधा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है ओके तो यहाँ पे अगर आप लेते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम देन आप ले सकते हो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम अब स्पीड ऑफ साउंड क्या है थ्री फोर्टी सिक्स यहाँ पर हमने देखा था टाइम कितना लगा टू सेकेंड मतलब ये मल्टीप्लाई करो तो सिक्स नाइन्टी टू मीटर आपको मिलेगा तो आप बोल सकते हो कि जो लाइटनिंग हो रही है उसका सेंटर एपी सेंटर जहाँ से वो जनरेट हो रही है वो और आप ये दोनों चीज़ के बीच में डिस्टेंस है 692 मीटर क्लियर तो इसलिए यहाँ पे कहा है देखो मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग अ डिजिटल ब्रिस्ट वॉच और अ स्टॉप वॉच कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग ओके स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको दिया हुआ है थ्री फोर्टी सिक्स मीटर पर सेकेंड तो आप ऐसे ये कैलकुलेट कर सकते हो <coughs> और समझना जब आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तब आपको क्या ध्यान रखना है सपोज हमारा जो पहला एग्जांपल था वही हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर देते हैं सपोज़ कोई इंसान यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर रहा है पॉइंट ए से बी गया बी से सी एंड सी से डी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो यहाँ पे फाइव मीटर यहाँ पे एट मीटर यहाँ पे फिर से फाइव मीटर और ये ए टू डी पहुँचने के लिए टोटल टाइम टेकन है वो समझ लो टोटल टाइम टेकन है वो थ्री सेकेंड है आपको बोला जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम चलो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम चलो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तो यहाँ से यहाँ तक फाइव एट और यहाँ पे वापस फाइव तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइव प्लस एट प्लस फाइव डिवाइड बाय टाइम थ्री सेकेंड एटीन डिवाइड बाय थ्री दैट इज सिक्स मीटर पर सेकेंड देखो यहाँ पे जो आपको स्पीड मिल रही है वो सिक्स मीटर पर सेकेंड मिल रही है ओके अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की तो आपको पता चलेगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मतलब इतना डिस्टेंस कितना होगा एट मीटर <coughs> तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा वो एट डिवाइड बाई थ्री आएगा और आप एट डिवाइड बाई थ्री कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा टू पॉइंट सिक्स 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 मतलब मैं टू पॉइंट सिक्स सेवन कर दूँ तो चलेगा ये मुझे क्या मिला तो तभी आपको पता चलेगा देखो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा है वेलोसिटी की वैल्यू कम है क्यों क्योंकि स्पीड क्या दिखाएगी कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हो बट वेलोसिटी क्या दिखाएगी कि आपने इतने टाइम में कितना इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रैवल किया स्पीड ये दिखाएगी कि आपने ये टोटल डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया है बट वेलोसिटी क्या दिखाएगी कि आपका इफ़ेक्टिव डिस्टेंस तो इतना ही हुआ ना ए से लेके आप पहुँचे कहाँ तक डी तक क्लियर तो ऐसे आप स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी मेजर कर सकते हो याद रखना है फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ओके तो यहाँ तक अभी हमने फिनिश किया कहाँ तक वेलोसिटी तक अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की थियोरीज़ मिलेगी ओके okay? तो ये नोट्स बना लो यहाँ पे वीडियो में जो भी दिख रहा है वो देख के आप नोट्स बना सकते हो क्लियर और टू टू थ्री टाइम्स रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब याद रह जाएगा ओके थैंक यू